Hello class 7, in this video we explain new exercise 11.2. Okay student, in this exercise you study find the area of parallelogram and triangle. First we explain the area and perimeter of parallelogram. Student, parallelogram की property क्या होती है ये आपको पता होगी, मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको. parallelogram property होती है आपकी opposite sides are equal and parallel. mean opposite sides हमारी क्या होती हैं, equals होती हैं and parallels होती हैं. ठीक है, फर्स्ट वी सी द पेरीमीटर ऑफ पैरोग्राम. पेरीमीटर ऑफ पैरोग्राम 2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेंट साइड. एडजेंट साइड का मीन हुआ स्टूडेंट जहाँ से वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स से टू साइड्स क्या होती है कनेक्ट होती है. मीन देखिए इस वर्टेक्स से एक साइड ये और एक साइड ये कनेक्ट हो है. ठीक है, तो इसे बोलते हैं एडजेंट साइड. तो इस साइड को हमने मान लिया ए और इसको क्या मान लिया बी. अगर इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू ए इन ब्रैकेट ए प्लस बी. ओके स्टूडेंट, देन सी द एरिया ऑफ पैरोग्राम. एरिया ऑफ पैरोग्राम बेस इंटू हाइट. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपका जो पैरोग्राम बना है तो इसकी हाइट कैसे फाइंड करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम क्या करते हैं पेपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे ये यहाँ से इस पॉइंट से इसको अगर हम नेम दे दें तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी. और ए यहाँ पे लिख लेते हैं ई, तो ए ई क्या हो गया पेपेंडिकुलर हो गया डी सी पे. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम हाइट यहाँ पे फाइंड करते हैं. ओके, तो एरिया ऑफ पैरोग्राम क्या हो गया बेस इंटू हाइट, या बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, देन सी द एरिया ऑफ ट्रायंगल. फर्स्ट वी सी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. तो पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का फाइंड करने में बहुत इजी वे बताया है, सम ऑफ ऑल साइड. तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड, जितनी भी इसकी थ्री साइड्स होंगी उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपको पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो आपका ये हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइट, मीन 1/2 बेस इंटू हाइट. अगर हम बेस को बी मान लेते हैं, हाइट को एच मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट. ओके, अब देखिए ट्रायंगल आपका ये नॉर्मल ट्रायंगल हो गया. अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, तो वहाँ से एरिया जो ट्रायंगल आप निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से आप नहीं फाइंड कर सकते हैं. तो वहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिक फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, √3/4 साइड स्क्वायर. अब ये कैसे आता है, इसी फॉर्मूले से इसको हम ड्रा करते हैं, बट ये आप आगे क्लास में स्टडी करेंगे. यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूला लर्न करना है, क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर. ओके, देन सी द एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज 11.2 सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एडजेंट साइड्स ऑफ पैरोग्राम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड. मीन स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या है, पैरोग्राम का में टू जो साइड्स होती हैं एडजेंट साइड, तो उसमें से एक लॉन्गर होगी एक शॉर्टर होगी. ठीक है, तो इसमें जो एडजेंट साइड की लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर एंड 5 मीटर है. ओके, और जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है आपको लॉन्गर साइड के बीच की. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर. तो इसको डायग्राम से समझते हैं, ये आपका स्टूडेंट हो गया पैरोग्राम ए बी सी डी. ओके, ये हो गया 8 मीटर लॉन्गर साइड हो गई और ये 5 मीटर शॉर्टर साइड हो गई. ठीक है, तो जो लॉन्गर साइड हमारी 8 मीटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है कितना, मीन ये लॉन्गर हो गई और ये लॉन्गर साइड हो गई ए बी एंड डी सी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है 4 मीटर. और शॉर्टर साइड कौन सी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और इसके अपोजिट में 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम ए से बी सी पर डालेंगे तो इसके बीच की हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी. और ए बी से डी सी के बिटवीन जो डिस्टेंस होगी, तो आपको यहाँ से सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा. ओके, दैट इज द एडजेंट साइड ऑफ अ पैरोग्राम आर 8 मीटर एंड 5 मीटर. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको देखिए यहाँ से जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरोग्राम क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट. मतलब कि आपका ये अगर लॉन्गर साइड से हम एरिया निकालेंगे तो बेस हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. ओके, तो एक वन टाइम आपको इस तरह से एरिया निकालना होगा. अब सेकंड टाइम आपको जब एरिया निकालेंगे तो शॉर्टर साइड से लेंगे, शॉर्टर साइड से लेंगे तो बेस आपका 5 हो जाएगा और हाइट आपको जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है एच लेट करना होगा आपको. ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगर एरिया आप चाहे इस साइड से निकालिए चाहे लॉन्गर साइड से निकालिए, दोनों का जो एरिया होगा हर कंडीशन में हमारा क्या होगा, सेम होगा. दैट इज इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी सिंपल, आपको एरिया निकालना होगा फर्स्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अकॉर्डिंग टू बेस ए डी सी एंड देन एरिया अकॉर्डिंग टू बेस बी सी, देन बोथ एरिया आर इक्वल. दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपका जो है शॉर्टर साइड के बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड हो जाएगा. दैट इज हियर वी नो दैट एरिया पैरोग्राम ए बी सी डी बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 32 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अगर तो मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया, अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा. देन वी बेस बी सी, अगर हम बेस यहाँ पे बी सी लेते हैं तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लेट द करस्पॉन्डिंग हाइट. तो इसके बीच की जो करस्पॉन्डिंग हाइट होगी हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया. ओके,
देन एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी बेस इंटू हाइट 5, तो हमारी बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट हमने कितना कर लिया है एच, दैट इज़ 5 इंटू एच मीन 5 एच। अब दोनों का एरिया हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया ए बी सी डी का, तो यही वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड करें कितना आ जाएगा 32/5, डिवाइड करें कितना हो जाएगा 6.4 मीटर। तो सॉर्टेड साइड के बिटवीन की डिस्टेंस जो फाइंड हुई है कितना हो गई 6.54 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की सॉल्विंग हो गई। देन सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डिस्टेंस ऑफ अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग साइड ऑफ पैरोग्राम फ्रॉम अ अपोजिट साइड इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरोग्राम। तो इसमें केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इटसेल्फ करेंगे। देन सीधा क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पैरोग्राम द रेशियो ऑफ द साइड टू द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू दैट साइड इज 2:1, इफ द एरिया ऑफ पैरोग्राम इज 50 सेंटीमीटर फाइंड एल्टीट्यूड। मीन एल्टीट्यूड मीन हो गया पेपेंडिकुलर, मीन पैरोग्राम के अपोजिट साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे रेशियो फॉर्म में साइड दिया है, तो इसे आप लेट कर लेंगे, तो आपका जो साइड्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 2x एंड x। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यू लेट द साइड मीन बेस ऑफ पैलोग्राम बी 2x, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, एंड एल्टीट्यूड आपका ये हो गया एल्टीट्यूड मीन पेपेंडिकुलर, कितना उसको लेट के लिए, तो 1:1 था, तो क्या हो जाएगा x। एंड गिवन द एरिया पैलोग्राम 50 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन हो गया। ओके, देन वी नो दैट एरिया पैलोग्राम बेस इंटू हाइट, तो एरिया पैलोग्राम गिवन है कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बेस लेट किया है 2x, हाइट कितना है आपका x। ओके, देन 2 से इसको 50 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन x² = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट किसी नंबर से तभी रिमूव होता है जब उसके अंदर पेयरिंग हो किसी भी नंबर का। तो 25 किसका पेयरिंग बनाएगा 5 × 5, मीन यहाँ से एक 5 का बाहर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ रिक्वायर्ड साइड ऑफ पैरोग्राम। तो फर्स्ट 2x, तो 2 × 5 मीन x की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा x था, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट सॉल्विंग हो गई। ओके स्टूडेंट, देन सीधा क्वेश्चन नंबर 4, द साइड ए बी एंड बी सी ऑफ अ पैलोग्राम 35 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली, इफ द लेंथ ऑफ पेपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी इज 20 मीटर, फाइंड द एरिया पैलोग्राम। तो स्टूडेंट इसमें आपको डायग्राम बनाना है, फॉर्मूले बेस से फॉर्मूला पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपके डायग्राम बुक में ड्रा किए गए हैं पहले से, ट्रायंगल बेस के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।